मैं अंकित गोस्वामी आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करता हूं। साल 2005-2006 में भारतीय टीम में एक ऐसा चेहरा शामिल हुआ जिसने अचानक क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम में सालों बाद एक धुआंधार तेज गेंदबाज शामिल हुआ था और उसे भारत का सबसे तेज गेंदबाज मानते हुए उसकी तुलना विश्व के दिग्गज गेंदबाजों से होने लगी थी। सबको लगा कि शायद भारत में एक असल तेज गेंदबाज का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने करोड़ों उम्मीद पर पानी फेर दिया। हम बात कर रहे हैं मुनाफ पटेल की। ये वो गेंदबाज हैं जिन्होंने कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट में एक तेज तर्रार गेंदबाज की कमी को पूरा कर दिया था। मुनाफ का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। वहीं मुनाफ जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपने स्कूल के वो सबसे तेज गेंदबाज थे। जब उनके साथी उनके गेंदबाजी की तारीफ करते थे, उस दौरान मुनाफ ने कभी भी क्रिकेटर बनने का सपना नहीं देखा था। दरअसल ये सपना उनके लिए काफी महंगा था और परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए मुनाफ ने कभी ऐसे सपनों से वास्ता नहीं रखा। आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब मुनाफ एक फैक्ट्री में 50 रुपए से कम की दिहाड़ी में मजदूरी किया करते थे ताकि परिवार को वो सहारा दे सके। वहीं कुछ साल बीते और स्कूल के कुछ शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए मुनाफ को क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब मुनाफ ने क्रिकेट की ओर ध्यान देना शुरू किया तो मूलभूत सुविधाएं भी उनसे कोसों दूर थी। बताया जाता है कि काफी समय तक वो चप्पल पहनकर ही गेंदबाजी किया करते थे क्योंकि उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी एक बार बड़ौदा जाकर किस्मत आजमाने का मौका मिला तो उन्हें एक दोस्त ने जूते खरीद कर दिए। मुनाफ बदौड़ा पहुंचे और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। इसी के बीच पूर्व चयनकर्ता व भारतीय विकेट कीपर किरण मोरे ने जब इस खिलाड़ी को पहली बार खेलते देखा तो वो समझ गए कि उनकी गेंदबाजी में दम है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया। जब वो ट्रेनिंग के लिए डेली अप डाउन करने लगे तो उनकी क्रिकेटर बनने की इच्छा और मजबूत हो गई थी। मुनाफ ने मार्च 2009 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने पहले टेस्ट में 9 विकेट लिए थे। वहीं मुनाफ पटेल ने मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लॉयंस के लिए आईपीएल खेला। पर अब मुनाफ की जिंदगी बिल्कुल उलट गई है। आज मुनाफ 33 साल के हो चुके हैं। आखिरी बार भारत की तरफ से टेस्ट मैच 8 साल पहले उन्होंने खेला था और आखिरी वनडे व अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच 6 साल पहले खेला था। सालों गुजर गए लेकिन 6 फीट 3 इंच लंबे इस गेंदबाज पर दोबारा किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी चोटें उनके करियर में सुराग होने की सबसे बड़ी वजह बनी। आईपीएल में 6 सीजन तक वो राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेले, लेकिन 2014 की नीलामी में उन्हें खरीदने कोई नहीं आया। कई साल बीते और आईपीएल 2017 की नीलामी में उन्हें गुजरात लॉयंस ने 30 लाख रुपए में खरीद कर कुछ राहत दी, लेकिन एक हकीकत ये भी थी कि गुजरात की टीम का आखिरी आईपीएल सीजन था। यानी मुनाफ पटेल एक बार फिर से बेरोजगारी की दहलीज पर पहुंच गए। पिछले साल नवंबर में आखिरी बार उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेला, लेकिन वहां भी उनकी फिटनेस खराब दिखी। आजकल वो अपने गांव में परिवार के साथ ही रह रहे हैं और जमीन से जुड़े इस क्रिकेटर की सादगी व परिवार को लेकर समर्पण आज भी बरकरार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और खबरों के लिए लॉग इन करिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।